अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एशियन मेल 24 में आपका खैर मकदम। मैं हूं नुसरत मुश्ताक और मैं हूं शौकत साहिल। पेश है आज की हेडलाइंस। बिपिन रावत की आखिरी रस्मात कल दिल्ली फौजी छावनी में अदा की जाएंगी। एयर मार्शल वनमिंद्रा सिंह हेलीकॉप्टर हादसे की तहकीकात करेंगे राजनाथ सिंह। सोपोर का मारूफ जख्मी क्रिकेटर 8 रोज बाद जिंदगी की जंग हार गया। और दिलचस्प में आज देखें, सिर्फ 15 सेकंड में बस से ट्रेन बन जाने वाली गाड़ी। सबसे पहले इस खबर पर नजर डालते हैं। तमिलनाडु के कनूर के पास हुए हेलीकॉप्टर हादसे में बुध के रोज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी अहल्या मधुलेखा रावत समेत 13 लोगों की मौत हो गई। कल यानी जुम्मे के रोज़ दिल्ली की फौजी छावनी में बिपिन रावत और उनकी अहल्या की आखिरी रस्मात अदा की जाएंगी। उनकी लाशें दिल्ली लाई गईं, जबकि उनके आबाई सूबा उत्तराखंड में रियासती सरकार ने 3 दिन शोक का ऐलान किया है। इधर हादसे का शिकार हुए फजाए के हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स बरामद हो गया है, जिसके बाद तहकीकाती टीम हादसे की वजूहात का पता लगाने में मसरूफ़ हो गई है। हिंदुस्तानी फजाया ने जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर हादसे की तहकीकात के लिए तीनों अफवाज की एक मुश्तरक तहकीकात का हुक्म दिया है, जिसकी सरबराही एयर मार्शल मिनवंद्रा सिंह करेंगे, जो फजाए के ट्रेनिंग कमांड के ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु के कनूर में हेलीकॉप्टर हादसे पर आज ऐवान ज़नी यानी लोकसभा और ऐवान बल यानी राज्यसभा में अपने बयान में यह जानकारी दी। वजीर दिफा ने ऐवान की जानब से जनरल रावत, उनकी अहलिया मधुलेखा रावत और दीगर फौजी अफसरान को खराज अकीदत पेश करते हुए उनके अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने दोनों ऐवानों से कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत की आखिरी रसूमात पूरे फौजी एजाज के साथ की जाएंगी। अध्यक्ष महोदय, आज बड़े दुख और भारी मन से मैं 8 दिसंबर 2021 की दोपहर में हुई मिलिट्री हेलीकॉप्टर जिसमें भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी एवं 12 अन्य सवार थे, की दुर्घटना के दुर्भाग्यपूर्ण समाचार से अवगत कराने के लिए आप सभी के बीच खड़ा हुआ हूँ। अध्यक्ष महोदय, जनरल बिपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ वाले वेलिंगटन के स्टूडेंट ऑफिसर से इंटरेक्ट करने के लिए अपने एक शेड्यूल्ड विजिट पर थे। एयरफोर्स के MI-17V5 हेलीकॉप्टर ने कल 11:48 पर सुलूर एयरबेस से अपनी उड़ान भरी, जिसे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। सुलूर एयरबेस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12:08 पर हेलीकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया। इधर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी अहलिया मधुलेखा रावत और दूसरे अफराद की याद में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और दीगर अफसरान ने आज राजभवन जम्मू में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करके इजहार गम ताज़ियत किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने एक ताज़ियती पैगाम में जनरल बिपिन रावत की हादसाती मौत को मुल्क के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान करार देते हुए कहा था कि कौम ने इस हादसे में एक बहादुर तरीन बेटे को खोया है। इस दौरान फौज की जान से बारामूला में एक तकरीब मुनक़द हुई, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी अहले और दीगर फौजी अफसरान को खराज अकीदत पेश किया गया, जो गुज़िश्ता रोज़ हेलीकॉप्टर हादसे में अफजान हुए थे। 2 रोज़ा ताज़ी तकरीब में 15वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे, GOC डागर डिवीजन मेजर जनरल अजीत चांद पोरिया और दीगर आला फौजी अफसरान के अलावा ज़िला इंतजामी के अफसरान और आम लोगों ने शिरकत की। आगे बढ़ते और इस खबर पर नज़र डालते हैं। शुमाली कश्मीर के एप्पल टाउन सोपोर से ताल्लुक़ रखने वाले होनहार और जवां साल क्रिकेटर कुछ रोज़ कबल एक सड़क हादसे में शदीद ज़ख्मी होने के बाद दौरान शब अस्पताल में ज़िंदगी की जंग हार गया। 27 साला नौजवान तारिक अहमद मीर यकुम दिसंबर को उस वक्त शदीद ज़ख्मी हुआ था, जब सोपोर बांडीपुरा रोड पर हथलंगू के नज़दीक एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ने उसके मोटरसाइकिल को ज़ोरदार टक्कर मारी थी, जहां 8 दिनों तक मौत व हयात की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद वो बुध और जुमेरात की दरमियानी शब दम तोड़ गया। मरहूम क्रिकेटर को आज अपने आबाई कब्रिस्तान में अश्कबार आँखों से सुपर्द खाक किया गया। उनके नमाज जनाजा में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की।
महकमा जंगलात की मुख्तलिफ असामियों के लिए दरखास्तें जमा करने वाले उम्मीदवारों ने आज प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में जमा होकर एहतजाज दर्ज किया। उन्होंने मुतालबा किया कि फास्ट ट्रैक बुनियादों पर भर्ती का अमल शुरू किया जाए। उनका कहना था कि अगर आने वाले दिनों में उनके मुतालबे को पूरा नहीं किया गया तो सूबे जम्मू और कश्मीर के उम्मीदवार श्रीनगर में जमा होकर तामर्क भूख हड़ताल पर बैठेंगे। रिक्रूटमेंट की जाए ना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टस से मस हो रहे हैं ना, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड टस से मस हो रहा है। तीन बार उन लोगों ने हमारा कैलेंडर निकाल के कैंसिल किया, मुझे पता नहीं किन बुनियादों पर, शायद कुछ ब्लू आइड कैंडिडेट्स निपोटिज्म हो, उस बुनियाद पर वो ये सब कर रहे हैं। जब कोर्ट का ऑर्डर है, आपको कौन सा इख्तियार है ब्यूरोक्रेसी को कि वो कोर्ट के ऑर्डर की कंटेम्प्ट करे। ये देखिए 1150 पोस्ट इस वक्त फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है, 1150 वैकेंट पोस्ट, जिसमें से 530 पोस्ट जो है वो फॉरेस्टर्स को सीनियरिटी बेसिस पे लगाया गया है, और उसमें 198 ऐसे हैं जो टेम्प्रेरी इंचार्ज बनाए गए, उसके बावजूद 818 पोस्ट वैकेंट है, और हमारे 79 पोस्ट के लिए उन्होंने हमें 11 साल वाले दिनों में अगर हमारे पोस्ट की रीएडवर्टाइजमेंट रोकी नहीं गई और हमारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस एज पर कोर्ट डायरेक्शन शुरू नहीं की गई, हम यहीं पर अपने अयाल के साथ अलॉन्ग विद आवर फैमिलीज विल कम सिट हियर, वी विल मेक अ हंगर स्ट्राइक तामर्ग, हम यहां पर हंगर स्ट्राइक। इस दौरान महकमे पीडीडी के आरजी मुलाजमी ने भी अपने मुतालबात को लेकर सदाए एहतजाज बुलंद की। हमारा यही मुतालबा है कि 2015 के बाद पीडीएलों की जिस किसी भी की एक्सीडेंट हुई है, बाज़ाबता तौर चीफिनर साहब ने उनके आर्डर्स इजरा किए हैं, पीडीएल ही उनके आर्डर दिए हैं। 2015 से 2020 तक हमें रेगुलराइजेशन की आर्डर ये तनख्वाह मिल रही थी, उसके बाद डिपार्टमेंट ने अचानक हमारी तनख्वाह रोक दी है। हम डिपार्टमेंट से ये चेक करते हैं, बार बार करते आ रहे हैं कि हमारी तनख्वाह वागुजार करो, डिपार्टमेंट हमें कह रहे हैं कि ये लेटर लाओ वो लेटर लाओ, बार बार हमने हज़ारों लेटर वहाँ पर जमा की है, उसके बावजूद भी हमारी सैलरी वागुजार नहीं की। आगे बढ़ते हैं और अब इस खबर पर नजर डालते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के बच्चों के रोज़गार के मौके छीन कर बाहर के लोगों को देकर यहाँ के लोगों के हकूक पर शबखून मारा जा रहा है। शेर कश्मीर भवन में पार्टी की शेड्यूल कास्टिंग के अहदेदारों और कारकुनों के एक रोज़ा कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा, क्या हमारे बच्चे काबिल नहीं? क्या यहाँ के मजदूर पत्थर उठाने या दीगर कामों के लिए मौजूद नहीं? क्या हमारे लोग बेकार नहीं? फिर बाहर से लोग दरामद करने की क्या ज़रूरत है? ऐसे आदमी को ढूंढो जो उससे डरता हो और जिसमें आपके लिए मोहब्बत हो, प्यार हो। ये नहीं कि वो अपनी तिजोरी भरेगा और आपको खा जाएगा, वो नहीं। उसको बनाइए जो ये सोचे कि मैंने उसके सामने जाना है, और आज जो उसने मुझे मनसब दिया है मैं उसके सामने जवाब क्या दूंगा कि मैंने तुझे इस कुर्सी पर बैठाया, तुमने किया क्या? जम्मू कश्मीर के पहाड़ी जिला पुंछ में तहसील सदर मकाम मंडी में यूं तो बहुत सारे सरकारी दफातर मौजूद है, लेकिन कुछ दफातर तहसील के दीगर इलाका जात में है और उन पर साइन बोर्ड यानी तख्ता रहनुमाई न होने की वजह से वो नदारती है। हमारे नामा निगार जहीर अब्बास ने आम लोगों और हुकाम से बात की, उनका क्या कहना है आइए देखते हैं। यूथ ही ऐसी वाइद चीज़ है जो किसी चीज़ को पढ़कर उसे उसकी जांच करती है, जब यहाँ पे साइन बोर्ड है ही नहीं तो यूथ को क्या बताया चलेगा यहाँ पे कौन सा दफ्तर है कौन सा नहीं। दफ्तर हैं जहाँ पर साइन बोर्ड वगैरह नहीं लगाए हुए हैं, तो वहाँ पर एक कॉपरेटिव कॉपरेशन डिपार्टमेंट है जिसका आज तक लोगों को पता नहीं है। मतलब ऐसे दफातर हैं जिनके ऊपर कोई बाहर साइन बोर्ड नहीं है, कोई लोगों को पता ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है कौन कौन सा डिपार्टमेंट यहाँ बैठता है। ऑफिसरान जो हैं वो ज़्यादातर गैर हाजिर है, और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब से कि ऐसे लोगों को जल्द हदायत की जाए, वो साइन बोर्ड का जो है इस्तेमाल करें ताकि आवाम को पता चले कौन सा दफ्तर कहाँ है, इनको अंधेरे में न रखा जाए वरना इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। इन सब के साइन बोर्ड हैं, कुछ एक डिपार्टमेंट हमारे बाहर हैं रेंटेड जो एकोमोडेशन है, हम चेक करेंगे अगर किसी ने साइन बोर्ड हटाया है या न्यू एकोमोडेशन ली है, साइन बोर्ड अभी फिक्स नहीं हुआ है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और हम प्रॉपर वेरीफिकेशन भी करेंगे। कुछ एक डिपार्टमेंट है जैसे शीप एंड एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, तो इनका अमूमन जो स्टाफ होता है वो फील्ड में होता है, और ये बात हकीकत है कि उनका एक अफ़िसर जो है जो उनका हेड होता है सेक्टोरल ऑफिसर होता है,
वो ऑफिस में होना चाहिए ताकि जो लोगों की ग्रेवियंसिस हैं वो प्रॉपरली एड्रेस हो सकें। और इसके लिए डी सी साहब की डायरेक्शंस हैं कि पर्टिकुलर डे फिक्स किए जाए कि उस दिन लोगों को भी पता हो कि बाहर बोर्ड लगा हो कि इस दिन जो सेक्टोरल ऑफिसर है वो फील्ड विजिट पर होगा अलॉन्ग फील्ड स्टाफ, और इस दिन वो ऑफिस में होगा, ताकि लोग प्रॉपरली उसी दिन पर आएँ, उनकी ग्रेवियंस भी एड्रेस हो सके। अब नज़र डालते हैं मौसम पर। वादी कश्मीर में अगरचे लोग दिन भर खिली रहने वाली हल्की धूप से लुत्फानंदोज हुए, तहम शबाना दर्जे हरारत मुसलसल नुक्ते अंजुमात से नीचे दर्ज होने के बायस वो सर्दी की शिद्दत से कांपते रहते हैं। गर्माए दारुलहुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत -2.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में 1 दिसंबर को रवां मौसम की सर्द तरीन रात दर्ज हुई थी, जब कम से कम दर्जे हरारत -2.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। वादी के मशहूर जमाना सियाहती मकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जे हरारत -5.8 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि सियाहती मकाम पहलगाम में कम से कम दर्जे हरारत -4.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इधर महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में 14 दिसंबर तक मौसम मजमू तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। महकमे के तर्जुमान के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में 15 दिसंबर को मौसम करवट बदल सकता है, जिसके बायस कहीं कहीं हल्के दर्जे से दरमियाने दर्जे की बर्फबारी या बारिशें होंगी। आइए अब दिलचस्प और अजीब सेगमेंट पर नजर डालते हैं। आखिर पर दिलचस्प और अजीब सेगमेंट पर नजर डालते हैं। इसे आप ट्रेन भी कह सकते हैं और बस भी करा दे सकते हैं। जापानी इंजीनियरों ने एक ऐसी बस बनाई है जो सिर्फ 15 सेकंड में रोड से रेलवे पटरी पर दौड़ने के लिए तैयार हो जाती है। इसे ड्यूअल मोड व्हीकल या दोगली गाड़ी का नाम भी दिया गया है, जो सड़क और रेल की पटरी दोनों पर दौड़ सकती है। इसका बाज़ब्ता इफ्तिताह रवां माह की 25 तारीख को किया जा रहा है। इस सादा पर मुनफरद ईजाद को बनाने में 20 साल की तहकीक शामिल है, क्योंकि 2002 में इस पर काम शुरू किया गया था और कई आजमाइशों के बाद अब ये मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है। इसे आजमाइशी तौर दो जापानी मकामात के दरमियान चलाया जाएगा, जिनका फासला 123 किलोमीटर है। डीजल से चलने वाली तब्दील शुदा बस में 23 अफराद बैठ सकते हैं, जो रोड पर टायर और रेलवे लाइन पर आहिनी पहिन पर चलती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ 15 सेकंड में यह तब्दील होकर बस से ट्रेन में तब्दील हो जाती है। इस दिलचस्प खबर के साथ एशिया 24 का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। किसी भी खबर और अपडेट के लिए लॉग इन करें www.ishmi.in और www.urdu.ishmi.in पर। आप चाहें तो हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका फीडबैक मुसलसल हम तक पहुँच रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दीजिए। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।